दीपावली के चलते लगभग सभी छोटी बड़ी कृषि उपज मंडी समितियां बंद हैं। सोयाबीन के भाव में पिछले 3 दिनों से स्थिरता बनी हुई है। उधर कारोबारियों ने सोयाबीन के तेल की मांग में तेजी की वजह त्योहार को बताया है, लेकिन बाजार समितियां बंद होने के कारण ये सवाल बना रहता है कि कृषि उपज कहां बेची जाए। मंडियां बंद होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जहां किसान केंद्र या तेल प्रसंस्करण उद्योग है, वहां किसान अपना सोयाबीन बेच सकते हैं। पिछले हफ्ते सोयाबीन की कीमत 5,000 रुपये से नीचे आ गई थी, इसलिए तब किसान सोयाबीन भंडारण पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मंडियों को सप्ताह भर तक बंद होने की सूचना आई, आवक बढ़ गई। लेकिन एक दो दिन में कोई किसान मंडी में कितनी उपज लेकर लाकर बेच सकता है, इसलिए उनकी फसल बिक्री की समस्या जस की तस है। दिवाली के चलते कृषि उपज मंडी समितियां बंद हैं। पिछले हफ्ते सोयाबीन 5,300 रुपये में मिल रहा था। किसान यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब इससे ज़्यादा भाव ना ही गिरे तो बेहतर ही होगा। 2 महीने पहले महाराष्ट्र की कई मंडियों में सोयाबीन की कीमत 10,000 रुपये क्विंटल से भी ज़्यादा थी, लेकिन केंद्र सरकार के सोयाबीन इम्पोर्ट करने के फैसले की वजह से दाम आसमान से ज़मीन पर आ गए। सोयाबीन के 2 बड़े उत्पादक राज्य हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसका न्यूनतम भाव 27 अक्टूबर को सिर्फ 1,700 रुपये क्विंटल के स्तर पर ही रहा था, जब MSP 3,950 रुपये क्विंटल है। महाराष्ट्र की कई मंडियों में भी इन दिनों सोयाबीन का दाम MSP से नीचे ही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसानों की मेहनत की भरपाई कैसे होगी, जबकि अतिवृष्टि से पहले ही उनकी फसल को काफ़ी नुकसान हो चुका है। दिवाली पड़वा के अवसर पर लातूर कृषि उपज मंडी समिति का शुभ आरंभ किया जाएगा। हालांकि 5 दिन से मंडी समिति अब 10 दिन के लिए बंद है, जिससे किसानों को परेशानी होगी। बाजार समिति शुक्रवार को पड़वा पर्व के रूप में ही चलेगी। शनिवार को फिर से कारोबार बंद रहेगा और सोमवार से नियमित बाजार समिति खुली रहेगी। इसलिए अगर फिलहाल सोयाबीन की बिक्री करनी है तो किसानों को तेल संयंत्रों पर अपनी फसल ले जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।